बस कुछ दिन देर तक इनकी कुर्बानी है सबकी शुरू होगी। ये हमारे प्रोफेशनल कसाई ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड होगी, ये हम लेके जा रहे हैं पहली। असल ईद तो ये मना रहे हैं। ईद मुबारक आशिफा जी आपको। हाँ जी, सारा गोश्त तैयार कर लिया कसाई जी। इंसानों से ज़्यादा यहाँ पे गोश्त को प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये देखें जी, एसी स्पेशल लगा के गोश्त के लिए रखा है। ईद मुबारक गाइस। सुबह के बज रहे हैं 5 एंड आई रियलाइज के दिस इज़ द ओनली ईद की नमाज आई कैन प्रे, क्योंकि मैं सोता नहीं हूँ। अभी मेरे सोने का टाइम होने वाला है, सो दिस इज़ द ओनली नमाज आई कैन प्रे। तो मैं कपड़े बदल लूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, वही वाली नमाज पढ़ो और उसके बाद सो जाऊँ आके। तैयार श्यार हो गए हम, ठीक है। अभी हो रहे हैं 4:43। लिटरली मैंने आधा घंटा पहले फजर की नमाज़ पढ़ी है, ठीक है। और ये नमाज है 5:12 पे ईद की, और फिर इसके बाद एक 7 है और एक 8 है। सो टेक्निकली मैं 8 वाली जा सकता था, पर मुझे पता है कि फिर मेरा पूरा दिन सोते हुए गुजरना था। तो अभी मैं सोऊंगा और 12:01 वापस उठ जाऊंगा और फिर ईद सेलिब्रेट कर लेंगे हम लोग। तो अभी मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज आपको एक अपने दोस्त से मिलवाता हूँ बचपन के, वो आता है, तो फिर हम चलते हैं नमाज पढ़ने। कैसा लगा? खैर अभी इतना जज ना करो आउटफिट को, सुबह उठ के अच्छे से तैयार होकर वापस से ना फिर आउटफिट एक बार दिखाऊंगा। देख लो अभी सुबह हो रही है, ठीक है। अगर आप लोग यकीन ना करो तो खैर एनीवे, हम अपने दोस्त का इंतज़ार करते हैं और फिर हम निकलते हैं। जापस की बात है, आई एम रियली एक्साइटेड अपने बाल और बीएड सही करने के लिए और नेल्स कट करने के लिए। लिटरली ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े नाखून हुए हैं, पता नहीं, मुझे बहुत उलझन होती है। मैं भी इस वजह से मैं थोड़ा 2 से पिछले बहुत डाउन फील कर रहा हूँ। सो या बट आई कांट वेट एंड होपफुली आज मुझे कोई मेरा जो बार्बर है मुझे मिल जाए। अगर ना मिला तो फिर वी हैव टू वेट टिल टुमारो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट होपफुली। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। भाई हम लोग जा रहे हैं ईद पढ़ने। ये गुड्डू भाई हैं, क्या हाल है गुड्डू भाई? अल्लाह का शुक्र है। सुबह सुबह सोया या अभी उठा है? जी मैं तो 1 बस सोया। मैं सोया कोई नहीं, फजर पड़ी है। मुझे दूसरी बोला किसी ने 7, मैंने कहा 7 वाली पढ़ने नहीं होनी, ये पढ़ लूंगा बस, ठीक है। उसके पास सूरज जो सा है ना सुबह से आ जाएगा, फिर सारा कुर्बानी का भी शुरू हो जाता है ना, रौला हो जाता है। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद, शोर बड़ा है, समझ आपको मुश्किल ही आ रही होगी। तो चलते हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ लें, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बस कुछ दिन देर तक इनकी कुर्बानी है सबकी, बेचारों की। गुड मॉर्निंग, दूसरी दफ़ा गाइस। पहले मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो सो गया हूँ, और उसके बाद अभी दोबारा उठाऊँ और या ईद मुबारक। सो आप लोग सोचोगे गुड्डू कौन है? गुड्डू जो है वो मेरे लिटरली बचपन का दोस्त है। उसका नाम गुड्डू नहीं है, पर गली में हम सारे बचपन से उसको गुड्डू कहते हैं। बचपन मतलब जब हम पैदा हुए थे इसी गली में, सब दोस्तों से सब कुछ ये था, तो इसलिए वो दोस्त था मेरा। तो अभी बाद में मिलेगा, अगर मिला तो फिर दोबारा बताएंगे। उस वक्त नींद इतनी सो गया मैं, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। अभी अम्मी ने और आशिफा जी ने मुझे नींद से उठाया। ईद मुबारक आशिफा जी आपको। मैं क्या नींद से मुझे उठाने वाले ये 2 लोग हैं, अम्मी और आशिफा जी। तो मैं उठा दिया तो ऐसी बात नहीं थी। 12 बज रहे हैं अभी तो। ईद किसको कहते हैं? ईद अभी इसको कहते हैं जाके ऊपर गोश्त बांट रहे हैं सबको। चले चले गोश्त बांटे तो सबों के घर जाके गोश्त देना पड़ेगा। गोश्त देती ठीक। अच्छा गाइस, जैसे अम्मी ने बताया था कि यहाँ पे जो हमने इसे डाले हुए थे उसका जो आया जो चिकन गोश्त वो अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मतलब कुर्बानियाँ हो गई हैं सारी, और अब मैं जा के बाल कटवा सकता हूँ। तो होपफुली मुझे कोई मिल जाए दर्जी वर्जी, नहीं तो रोले रोले रोले।
चलो भाई चलते हैं गोश्त बांटने। A few moments later. ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम गंदे तरक्के ही हैं पर जब सही होंगे तब मम्मी तो प्यारी हैं। मैं गंदा तरक्के गंदे तरक्के नहीं। सुबह तो आग फिर सो गया था ना, फिर मैंने कहा चलो उठते हैं तो अभी बस वो ज़रा गोश्त का कुछ कर लें फिर ईद मनाते हैं। आप सबको भी फिर देंगे मुबारक ईद की। चलो जी आप सबको भी कुकिंग विद अम्मी की और कुकिंग विद अम्मी की फैमिली की तरफ से ढेरों ईद मुबारक। चलो भैया अजान हो रही है बाद में करते हैं तो भैया चलते हैं। शुरू हो गई है खून देख के। हमारे प्रोफेशनल कसाई नहीं है। छोटा करेंगे पीरी बांटेंगे ना। ऐसे में ऐसे ही होता है ना, ये पीस छोटे छोटे आते हैं। बोटियां तो छोटी हो रही है मगर हड्डियां नहीं होंगी। बोटियां तो हो जाएंगी लेकिन इस तरह के आ रहे हैं फिर सारे उस तरह के कर रहे हैं छोटे छोटे। वो छोटे नहीं है वो हड्डियां है। उसके नीचे चिकन है ना के वो चिकन नहीं है गोश्त है। आशी को रोका था मैंने कहा तुम तो ले के चली जाओ ना तब ये फिर सारे अब डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ बाहर मैंने कहा सबको काट देंगे ना कि अभी गली में काटना। वजी आपको सारे कसाई कैसे लग रहे हैं? कसाई तो वही तो मैं कह रही हूँ नए नए कसाई बनना शुरू होने हैं अभी। इससे टाइट तो नहीं ना गोश्त पकड़ने होता। चले भी अब आप हमें रास्ता दे दें। ये देखिए आशीबाजी, आप आशीबाजी नुकसान करा रही है सबके। जब मैंने बोला ना जब नए नए कसाई बनते हैं ना फिर कुछ ना कुछ तो होता है। गुजरे गुजरे उन सारे ने गिरा के लगना जरूर। एक तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि कौन से कसाई का गोश्त लेना, तो अब हमें गिरा रही हैं। कसाई का गोश्त मैंने तो गिराया कि मैंने तो कहा थोड़ा सा रास्ता दे दो। ज्यादा ही रास्ता दे दिया। A few moments later. ये हमारे कसाई ने हाँ जी सारा गोश्त तैयार कर लिया कसाई जी। हाँ जी अब हो गया बस सारा। नहीं भी बांटना नहीं अभी जो बीच वाली है जो हड्डियाँ हड्डियाँ ये कटवानी पड़ेंगी। अच्छा मजा की सब छोड़े मैंने गोश्त को हाथ लगाए। सबसे बड़ी बात ये जिंदगी में पहली दफा जी भी। हाँ चलो कोई नहीं स्वाद मिल गया। चिकन भी नहीं धोती वो भी चौधरी साहब धोते हैं। चिकन करना पड़ता है जब करना है। मैं असल काम तो सारा नहीं अंकल ने किया। अच्छा गाइस कटिंग होगी सारी और अब डिस्ट्रीब्यूशन होगी अभी वो करनी है पर उससे पहले जाके जो हड्डियाँ उनको कटवाने। और यहाँ पे करने का रीज़न यही था कि कुछ जो होता है आप अपने हाथों से भी दें क्योंकि वो इसका सबसे ज़्यादा स्वाद होता है। तो बेशक मेन हमने सारी गांव में की है बट यहाँ पे ये था कि चलो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा से दो तीन हिस्से हमने डाल के एक जानवर के अंदर। तो अब यहाँ पे सारे अपने गिर्द जितने भी लोग हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और गोइंग गुड। मेरा पहला एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में इस ईद का बट इट्स गोइंग गुड आई एम काइंड ऑफ एंजॉइंग इट। बाहर तो बस आओ सो जाओ यहाँ पे काफ़ी काम होते हैं तो वापस चलते हैं ऊपर। A few moments later. तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड होगी। ये हम लेके जा रहे हैं पहली दोनों भाई ये होगी हमारी पहली गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन। इंसानों से ज़्यादा यहाँ पे गोश्त को प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये देखें जी देसी स्पेशल लगा के गोश्त के लिए रखा है कि गोश्त ख़राब ना हो जाए। वो गर्मी है ना बहुत ज़्यादा तो अभी वो कसाई को बुलाया इसके थोड़े पीस छोटे करवाए। असल ईद तो ये मना रहे हैं उस बेचारे को तंग की है। मैं कहा असल ईद तो ये मना रहे ये अभी ईद की सुबह नहीं हुई इसकी तो ये इसलिए रखा है कि अभी ख़राब ना हो जाए। हाँ फिर बांटना है ना तो वो नहीं आपने घर रख लिया बताए ना सर। हाँ घर रख लिया इन्ना अच्छी रखना कितने इतने नहीं हम गोश्त खाने वाले। वो बांटना है थोड़ा सी गर्मी भी कम हो जाए तो अभी फिर पैकेट बना के ना अभी साफ़ किया है तो अब पैकेट बनाएंगे तो फिर बांटेंगे। One hour later. ओ भाई ये दिन भी आने थे टेंच पूरा खाली कोई रश नहीं आज टेंच पे सब शॉप्स बंद
सब कुछ बंद। तो फाइनली भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे अपने हेयर कटर का टाइम मिल गया, अभी हम जा रहे हैं बाल कटवाने। टेंच के हालात देखें भाई, आलम खाली टेंच। तो अभी हम चलते हैं, तो बालों की कोई कटिंग करानी है भाई, क्योंकि बाल बहुत गंदे लंबे हुए हैं, दाढ़ी सही करानी है अभी। वैसे ये भी कभी कभी देखने को मिलता है टेंच का ये हालात। ऑलमोस्ट हमने सारा जो चिकन है वो गरीबों में ही बांटना है, जो गोश्त है वो गरीबों में ही बांटना है। तो अभी ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, कुछ रहता है, कुछ जानवर अभी भी जा रहे हैं वैसे। A few moments later, भाई फाइनली हम अदनान भाई के पास आ गए। अदनान भाई थोड़े बिजी हैं, पर ईद कैसी गुजरी आपकी? बस आ गया कोई अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने, बहुत बहुत बुरे हालात हुए हैं। मैं पिछले 3 दिन से डिप्रेस बैठा हूँ बालों को देख देख के, पर ये है कि फाइनली अभी पहले डाई शाई करने पर कटिंग कराते हैं, तो फिर उसके बाद अदनान भाई को इंसान वापस बनाते हैं। अच्छा 5 hours later कटिंग होगी हमारी, मुझे नहीं लगता सनसेट से पहले पहले हम पहुँच पाएंगे, तो फोटोज लेट्स सी क्या बनता है फोटोज का। A few moments later. तो भाई साहब आ गया है वो वक्त, सुबह से आप लोग इंतजार कर रहे थे हमें देखने का, माशाल्लाह से पहले तो बताएं कैसा लग रहा हूँ मैं, हैं जरा बताएं पहले मेरी लुक दिखाएं, जो क्वीन है उनकी लुक हम थोड़ा आप लोगों को सस्पेंस देके दिखाएंगे ना। तो भाई ये है मेरी ईद 2024 भूखड़ा ईद की लुक, कैसी लग रही है? भूखड़ा है क्या? भूखड़ा ईद का गाइस, हैप्पी भूखड़ा ईद। तो ये है लुक हमारी, ठीक है, पर अब मेरी तो आप लोगों ने बहुत इंतजार कर लिया। इस लुक का ना क्रेडिट किसका जाता है? नवीद का। नवीद अच्छे कपड़े सीता है और अच्छा नाई है, बाल कटिंग हो गई है। अरे मेरा क्या, तू तो है ही शहजादा तब ना। तो अब लुक दिखाई जाती है, चलो रहने दो फिर कभी दिखाएंगे। हाँ चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा लगा के तैयार हुई है ऐसे, फिर कोई बात नहीं। कुकिंग विद अम्मी की, माशाल्लाह ईद मुबारक सबको, कुकिंग विद अम्मी की फैमिली की तरफ से और आप सब बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। क्योंकि सुबह से हम बस काम में लगे हुए, वो भी साथ साथ जेब भी दिखाता रहे, लेकिन अब ईद के लिए तैयार अब हुए हैं रात के 8 बजे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गोश्त आना है बांटना है करना है फिर काम तो बहुत ज़्यादा होता है, और इस गर्मी में जो काम है ना गोश्त का बड़ा हिम्मत है। लेकिन अल्लाह पाक कबूल करे सबने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह पाक की राह में दी हैं, अल्लाह पाक कबूल करे। और तो भाई ये हम दोनों की लुक है। हाँ। देख लें आप लोग कैसे लग रहे हैं हम, माशाल्लाह से ईद मुबारक हमारी तरफ से आप सबको, ढेरों ढेरों ईद की बहुत सारी खुशियाँ हों, और अल्लाह सबका हज कबूल करे, जिन जिन्होंने भी हज किया अल्लाह कबूल करे, और हमें भी तौफीक दे अगले साल हम भी हज पे जाएं इंशाल्लाह। तो नीचे कमेंट करके बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है और क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या पकाया है। मैंने तो सुबह खीर बनाई थी, चिकन बोनलेस बनाया था, और अभी पुलाव बनाया चिकन वाला, बनाना हमने चिकन वाला ही है तो अभी पुलाव बनाया, फिर सारा दिन काम किया है, जो चिकन गोश्त का था वो बांट, मैं तो चला गया था और उसके बाद मेरे ख्याल से बाकी जो रह गए थे फिर आप लोगों ने, फिर आप तुम चले गए और फिर ऊपर वो आ गए थे कसाई, जो बड़े पीस थे वो किए छोटे, फिर उसके बाद उन्होंने बांटा है, हम तो सिर्फ मेहनत उनकी है सारा है, वो घर वाले भी लगे हुए थे मिल मिला के हुआ है, हम तो बस हल्का फुल्का से मैं तो करती रही हूँ, इतना काम नहीं किया, उज़्मा भाभी ने बहुत काम किया, तो इसलिए जो है ना सबकी मेहनत है अल्लाह पाक बस कबूल करे। तो गाइज उसी के साथ ये व्लॉग किया जाता है एंड, आप सबके प्यार और मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें, कमेंट कर दें, तो कुछ गायब हो गए आप लोग 2-3 दिन से, कुछ समझ नहीं आ रही किधर गायब हो गए। ईद की शॉपिंग में मसरूफ थे ना, फारग हो गए। अगर फारग हो गए आप तो मतलब बैठो निकलो ज़रा, आओ ज़रा वापस और सारी शॉपिंग वापस करो, शॉपिंग वापस करो। अरे कहना क्या चाहते हो, सारी वीडियोस वापस आके देखो और लाइक करो शेयर करो कमेंट्स करो, और आपकी मोहब्बतों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आप इतना प्यार देते हैं इतनी मोहब्बत देते हैं, इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत हमारे साथ बनाए रखें, तो अल्लाह पाक सबको सेहत तंदरुस्ती दे जिंदगी दे ईमान दे। सुबह से सारे हमारे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स का इंतजार करें, वी आर रियली सॉरी, अभी हम पिक्चर्स लेंगे इसके बाद फिर लगाएंगे, सुबह से टाइम ही नहीं मिला पिक्चर्स लगाने का, पता नहीं लोग सुबह सुबह ईद पे कैसे पिक्चर्स लगा लेते हैं। हाँ वो उन्हें और कोई काम नहीं होता ना, माँ बाप वो कर रहे होते हैं ना, अब मसला ये तेरी बेगम हो, तुम दोनों वीडियो बनाओ हम
जो बड़े हैं घर के वो कुर्बानी का कर लें। अब अम्मा ने तेरे साथ वीडियो बनानी होती है, कुर्बानी का ख़त्म होगा तो फिर लगेगा ना, ये मसला है। और भाई शादी बहुत जरूरी, वैसे वैसे बताओ शादी बहुत जरूरी। हाँ शादी बहुत जरूरी, हाँ शादी बहुत जरूरी। ईद पे मुझे मेरी बेगम और बच्चे चाहिए। बेगम होगी, बच्चे भी हो जाएंगे, बेगम आएगी तो बच्चे आएंगे ना, कोई मशीनरी से निकाल के तो नहीं ले आने, दो ले लो। इंशाल्लाह अगली पे आप देखना मेरे साथ मेरी जोजा होंगी और दो ही ट्विंस इकट्ठे हो सकते हैं, एक साल से एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, दो भी हो सकते हैं। ट्विंस हों तो तब है ना, छे छे महीने नहीं, छे छे महीने दे तो नहीं होने ना, खरगोश नहीं यार, तो वो कम से कम ऐसा 8-9 महीने तो लगते हैं एक बच्चे को। जरा चलो जी, बातें कहीं और जा रही तो बाकी चलो गाइस, ईद मुबारक फिर से हमारी तरफ से, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दो में याद रखें, हम आपको मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अस्ताला विस्ता। मेरे कपड़े तो पूरे दिखा दे, पहने हैं सारा कुछ किया, तब एक झलक दिखा के, और सब आप कमेंट्स करो कि कैसे लग रहे हैं मेरा ड्रेस जो है ना। और हमारी ईद की पिक्चर्स देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, OMG जमाल बदर और ऑफिशियल कुकिंग विद अम्मी हमारे इंस्टाग्राम है, दोनों पे पिक्चर्स लगी होंगी, जाके जरा देखो। हाँ देखो, माशाल्लाह आप तो हैं प्यारी। नहीं नहीं, इतना मैंने शौक से लिया ड्रेस तो फिर दिखाना तो है ना अपने बच्चों को। और बताएं कितनी देर दिखाने, बस इतना ही बहुत है, बहुत है। बाय बाय।